अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब लोग अच्छे से होंगे। जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं, मैंने वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आज की वीडियो में वैसे ही मेरी वॉइस बहुत एनर्जी वाली होती है, और आज की वीडियो में आपको बड़ी खुशी भी नज़र आ रही होगी। आज मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करवा के एक प्रोडक्ट लेके आप लोगों के लिए आई हूँ। और जो लोग न्यू देख रहे हैं, मैं पहले बता दूँ, पुराने देखने वालों को रट चुका है, पता है कि मैं अपने चैनल पे एक्सपीरियंस रिव्यू देती हूँ। यानी एक स्किन टाइप के अलावा मैं सारे स्किन टाइप पे ट्राई करवा के देती हूँ। एक्नी पे मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। स्क्रीन पर आपको मेरी एक्नी नज़र आ रही है। मैं एक्नी पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, कैसे एक्नी ठीक की। पिगमेंटेशन है, मुलाजम है, मुझे 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। हेयर से रिलेटेड, हर स्किन से रिलेटेड मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तब एक्सपीरियंस लेके मैं यूट्यूब के ऊपर आई हूँ सिर्फ एक्सपीरियंस देने। मुझे 1 रुपये का भी लालच नहीं है स्टार्ट में रिडक्शन दे दूँ अपना, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को अवेयरनेस देने आई थी। जो 2 दिन में गोरा, 4 दिन में गोरा करके लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, वो प्रॉपर गाइड करती हूँ। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट। मैंने पूरी मेडिकेटेड चीज़ें मिलेंगी। और मैं अपने चैनल पे ये नहीं करती चैलेंज, आपको पिछले फैशियल की वीडियो आपको 6-7 महीने या 4 महीने से पहले नहीं मिलेगी। मैं व्हाइटनिंग क्रीम के ऊपर 2 महीने बाद रिव्यू देती हूँ पूरा यूज़ करके, और फैशियल के ऊपर 3-4 महीने बाद प्रॉपरली यूज़ करवा के देती हूँ। तो आज ये मेरी जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने आई हूँ कि जो लोग कहते हैं 2 दिन में गोरा, 4 दिन में गोरा, ऐसे चुंगलों में मत फरे, मेरे हाथ जुड़े, और ओरिजिनल वर्सेस फेक आजकल बहुत हो रहा है मार्केट में, उनसे भी बचे। मैं वो भी अपने चैनल पर बताती हूँ कि ओरिजिनल क्या चीज़ होती है, फेक क्या होती है, डिटेल रिव्यू होता है। तो ऐसे ही डिटेल, ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस और मुखलिस रिव्यूज देखने के लिए, मुखलिस इसलिए कि मुझे अपने चैनल से कोई लालच नहीं है, एक कतरा भी नहीं है, सिर्फ आप लोग की स्किन और पैसा बचाने आई हूँ। तो ऐसे ही मुखलिस रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कीजिए। मैंने हज़ारों लोगों की स्किन को ठीक किया, आप भी मुझसे बात करें, मैं आप लोग की मदद करना चाहती हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कीजिएगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट और बहुत वेट करवाया मैंने अपने फॉलोअर्स को, क्योंकि ईद भी आने वाली है, ईद के बाद भी जब भी मेरे लोग ये फैशियल देखेंगे जिनकी शादियां करीब हैं, जितने भी पॉलर्स वाले हैं, ज़रा गौर से ये बात सुन लो, जितने भी पॉलर्स वाले हैं जिनकी शादी होने वाली है, और वैसे भी अब ईद आने वाली है, मैंने इसलिए अभी वीडियो बनाई है कि ईद में कुछ दिन है, उससे पहले मैंने क्यों बनाई है। ये आपको मेरे पास वाइड रेंज नज़र आ रही है, और एक प्रोडक्ट आपको दूसरी कंपनी की नज़र आ रही है। मैं प्रॉपर वे में गाइड करती हूँ। इस टाइम जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एक स्किन टाइप के लोग नहीं देख रहे, काफ़ी स्किन टाइप के लोग देख रहे हैं जिनमें एक्नी प्रोन भी ऐड है। तो एक्नी प्रोन वाले अलग फैशियल लेते थे, दूसरी स्किन वाले अलग फैशियल लेते थे, तो मैंने एक ऐसा निचोड़ निकाला है कि सब स्किन टाइप वाले एक फैशियल ले सकते, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शिकायतें आती थी, मैम एक बहन हमारी इतना महंगा एक्नी का फैशियल लेती है, दूसरी बहन हम ये, तो ये फैशियल क्यों मैं कह रही हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। तो ये है स्किन स्टूडियो वालों का फैशियल, ये आप लोग देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग भी। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, सबसे पहले मैं बता दूं, ये देखिए ये सल्फेट फ्री है एंड पैराबेन फ्री है। मैं अपने चैनल पे केमिकल्स चीज़ों के कितने सख्त खिलाफ हूँ, ये मेरे फॉलोअर्स सुन सुन के शायद थक गए होंगे। मैं अगेंस्ट आई हूँ जो 2 दिन में गोरा, 4 दिन में गोरा नहीं होता, प्रॉपर वे मैंने बताया हुआ है गोरे होने का भी। गोरा इंसान जो पैदाइशी रंग है वही होता है, लेकिन उसको मेंटेन और नीट स्किन का गोरे होना ज़्यादा, स्किन का हेल्दी होना ज़रूरी है। तो ये हमारी मंथली केयर में आता है, डेली वीकली केयर, चाहे वो एक्नी की है चाहे वो दूसरी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी वीडियो, और इंस्टाग्राम पर भी आके पूछ लीजिएगा। तो जी पहली बात कीजिए, तो इसका पहला स्टेप क्या था कि वीडियो में स्टार्ट में बता दूँ, तो ये जी फैशन स्किन स्टूडियो वालों का है, और इसके जो है वो 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप में आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं फैशन की, वो भी मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग अक्सर इन मसाजर्स को यूज़ सही नहीं करते, वो मैं बताऊँगी कि कैसे यूज़ करना है आप लोगों ने, और ये कहाँ से मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, वो आप लोगों ने सुननी है। तो जी ये पहला जो इसका स्टेप है, ये देखिए मैंने 1 भी लिखा हुआ है, ये 1 मैंने क्यों लिखा है, 1, 2, 3, क्योंकि ये फैशियल हर जगह गया है। मैंने मर्दों की स्किन, मैंने हर स्किन टाइप, मैंने गांव तक में भेजा ये फैशियल, हर बंदे को ट्राई करवाया है। अब मैं इसका रिजल्ट बताने लगी हूँ, मैं क्यों इतना खुश हूँ और क्यों मैं इतनी सेटिस्फाई हूँ। तो ये पोमीग्रेनेट फेस वॉश है विद ब्लैक ऑट्स, और इसमें कैमोली एंड पोमीग्रेनेट एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाले। आपको पता है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा, और उन्होंने टोटली, और उन्होंने कहा ये फ्रूटी फेस वॉश है, तो इन्होंने कहा बिल्कुल नो टॉक्सिक केमिकल है बिल्कुल भी। मैं आपको उसका बता के भी दिखा देती हूँ, इसमें नज़र आ रहा होगा, इसमें इन्होंने लिखा है इसमें एलोवेरा है, ट्री ट्री ऑयल एंड पोमीग्रेनेट है। आपको पता है ये तीनों चीज़ें एक्नी के लिए बहुत अच्छी, खासतौर पर ट्री ट्री ऑयल, एलोवेरा तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पोमीग्रेनेट व्हाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँ, नेट वेट इसका 200 ml है, और ये सारा इसके लिखा हुआ, सब कंपनी सब कुछ मैंशन है, एक्सपायरी भी मैंशन है, सब कुछ। अब मैं आप लोग की इसकी, ये आपको मैं दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, और मैं सबसे पहले नीचे टॉवल रखूँगी, इसका फर्स्ट स्टेप है। और इसका फर्स्ट स्टेप में मैं आपको सबसे पहली बात बता दूँ कि इसका खाली फेस वॉश यूज़ करने के बाद, ये मेरा आप लोगों को चैलेंज है, सिर्फ चैलेंज है मेरा आप लोगों को, इसका फेस वॉश यूज़ करने के बाद आप लोग इस तरह का स्पंज लीजिएगा, और स्पंज से साफ किया कर, स्पंज पर सामो सकन, आपके स्पंज के ऊपर काला काला लाइट सा ना लगा हुआ तो मुझे कहना, सिर्फ फर्स्ट स्टेप के बाद।
इस तरह से आप लोगों ने फेस वॉश लेके इस तरह से आप लोगों ने इसका मसाज करना है। पहले हमेशा कोई भी चीज़ होती है ना मसाजर की, निकाला करें और उसको ड्राई फेस पे लगाया करें। आज मैं जो आप लोगों को फेशियल बता रही हूँ, इट्स एन आउटस्टैंडिंग फेस वॉश। मैं सॉरी, इसकी पूरी किट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये मिलनी कहाँ से है ये गौर से सुनिएगा। ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है। रमज़ान का महीना है, मैं अल्लाह के जवाब दूँगी अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। ये एक रुपये की भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैं नहीं करती पेड प्रमोशन। इससे अच्छा फेशियल मैंने नहीं देखा। ये डर्माशाइन की पड़ी है, इससे भी अच्छा ये फेशियल है। और ये मैं आपको हकीकतन कह रही हूँ, जितने भी पॉलर वाले देख रहे हैं उनको शेयर करें, जितने भी एक्नी प्रॉन जो भी स्किन टाइप के लोग अच्छा फेशियल लेना चाह रहे हैं अफोर्डेबल, ज़रा वो देख लें। खुश्क फेस पे लगाने के बाद पहला स्टेप, उसके बाद आप लोगों ने फिर पानी लगाना है और इसके 3 से 4 मिनट आप लोगों ने मसाज करना है। फेस वॉश का मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरा सासा डिटेल बतानी है कि कैसे कैसे यूज़ किया जाता है प्रॉपर। आप देख सकते हैं कितना थिक लेदर है, मैंने उसको थोड़ा सा लिया। इस तरह से आपने पूरे फेस पे मसाज करना है 2 से 3 मिनट फेस वॉश का। इसका मसाज करने के बाद जब आप लोग इसको साफ़ करेंगे ना, मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर रही हूँ ताकि मैं अगले भी स्टेप आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूँ। आप लोगों के फेस पे जब आप लोग इसको साफ़ करेंगे स्पंज से, तो आप लोगों को एक प्रॉपर काला काला नज़र आएगा। अगर फेस पे जो गंद होगा वो आपको प्रॉपरली नज़र आएगा। मेरे हाथ पे शायद इतना गंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली आपको नज़र आएगा कि आपके फेस के पोर्स के अंदर से खाली फेस वॉश ही इतना गंद निकाल लाया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फेस पे आप लोग को ज़्यादा फील होगा। सेकंड स्टेप, ये मैंने अच्छा खासा यूज़ करवाया हुआ है, ये बिल्कुल इधर तक आया हुआ है, ख़त्म मैंने बहुत यूज़ करवाया हुआ है। इनकी अच्छी पैकेजिंग ये है कि ये ख़त्म हो भी रहे तब भी इसकी पैकेजिंग ऐसी रहती है। आप इसके क्लेंजर से अंदाज़ा लगा लें, ये देख सकते हैं इसका जो क्लेंजर है ये बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब ये सेकंड स्टेप है क्लेंजर। मैंने 1, 2, 3 इसलिए लिखा था जाके जहाँ जहाँ मैंने भेजा उन लोगों को यूज़ करना आ जाए, ठीक है, ताकि वो लोग प्रॉपरली यूज़ करके मुझे रिजल्ट बता सके। और रिज़ल्ट मैंने पिक्चर्स के थ्रू उनसे लिया था। ये देखिए मैं इतना दबा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देख लें आप, इसका ये सेकंड स्टेप है क्लेंजर। क्लेंजर भी आप लोगों ने ऐसे ही यूज़ करना है, ड्राई फेस पे लेना है स्पंज से साफ़ करने के बाद और इसको फैला लेना है। खुशबू इसकी लाइट सी है और इतनी अच्छी है, लाइक मुझे इसकी अच्छी बातें लगी है। देखिए क्लेंजर में क्या क्या है, इसमें भी ब्लूबेरी और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, सब में उन्होंने ट्रीटरी वगैरह भी डाला, पैराबिन फ्री रखा है। तो मैंने इसे एक्टिव एक्नी में भी यूज़ करवाया है, आप अंदाज़ा लगाएं। मैंने इसे ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, मैंने आप यकीन नहीं करेंगे, बावजू बैठी हूँ रमज़ान का महीना, मैंने अपने अब्बू तक की स्किन पर इसको यूज़ करवाया है जिन्होंने कभी फेशियल नहीं किया, मैंने उस पर भी इसको यूज़ करवाया ताकि मैं ऑनेस्ट बता सकूँ मुझे इससे अच्छा फेशियल अभी तक कोई नहीं लगा है। आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहती हूँ बीच में, ये फेशियल बहुत नामी ग्रामी पॉलर्स में यूज़ होता है। आप इंस्टाग्राम पे मैं उनका नाम लेके बताऊँगी कौन से पॉलर्स में ये जाता है, उनका नाम लेके बताऊँगी। और वो एक मसाजर के इसके 4,500 रुपये ले रही हैं वाइटनिंग फेशियल के नाम पे, वो इस फेशियल के 4,500। और ये इतना अफोर्डेबल है कि आप एक दफ़ा में इसको ले सकते हैं और वो एक मसाज के आप 4,500 ले रही हैं। इस तरह से आपने क्लेंजर का भी 3 से 4 मिनट मसाज करना है। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जाती है, होने दो, क्योंकि मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आप लोगों से करनी होती हैं। इस ये है मंथली केयर, एक्नी वालों को वीकली और डेली केयर भी मैंने बताई हुई, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और इंस्टाग्राम पे आएँ कि एक्नी कैसे ख़त्म करनी है, पिगमेंटेशन है मलाजमा कैसे ख़त्म करनी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो पूरी प्रोडक्ट्स रख के मैंने समर केयर आप लोगों को बतानी है कि समर केयर क्या करनी है। उसमें वीकली केयर में ये ऐड होगा, लेकिन समर केयर मैंने आप लोगों को बतानी है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने एक एक मिनट आप लोगों को मसाज करके दिखा रही हूँ कि लंबी वीडियो मैंने नहीं लेनी, फिर भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी मैं इतना 3-3 मिनट भी मसाज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। देखें ज़रा, अभी मैं हाथों पे, मेरा खैर इतना गंद नहीं होता, मैं साफ़ करती हूँ फेस पे, आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप है इसका स्क्रब। देखिए फर्स्ट स्टेप हमेशा फेस वॉश किया करें, सेकंड में क्लेंजर और थर्ड स्टेप में स्क्रब किया करें। स्क्रब सबसे मेन होता है, एक्नी वालों को प्रॉब्लम होती है कि हम स्क्रबिंग कैसे करें। इसमें उन्होंने कहा जी एप्रिकॉट स्क्रब है, आपको पता है एप्रिकॉट स्क्रब स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इन्होंने फिर इसमें एलोवेरा ट्री ट्री ऑयल उन्होंने लाजमी रखा है ताकि एक्नी प्रोन वाली स्किन भी, मेरी स्किन एक्नी प्रोन रह चुकी है और है भी, मेरी सिस्टर की स्वेयर एक्नी प्रोन स्किन है, मैंने एक्टिव एक्नी में भी यूज़ करवाया, मैंने पिगमेंटेशन प्लाज्मा वालों को भी यूज़ करवाया, मैंने सेंसिटिव स्किन वालों को भी यूज़ करवाया, जिनकी स्किन पर रैश रहते हैं उन्हें भी यूज़ करवाया, किसी की तरफ से नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा हमें अभी ये वाला पूरा सेट चाहिए। जहाँ जहाँ ये गया है मुझे इतना अच्छा लगा ये, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छे से बनाया, सल्फेट और केमिकल फ्री है। अच्छा ज़रा ये देखें इसका स्क्रब, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुझे इसका स्क्रब इसलिए अच्छा लगा है कि ये ज़्यादा चुभने वाला नहीं है। फिर भी जिन लोगों को एक्टिव एक्नी, ये देखिए ज़रा चुभ मुझे बिल्कुल भी नहीं रहा, ऐसा लग रहा मैं क्रीम लगा रही हूँ, ये देखिए आप। लेकिन फिर भी जिनको एक्टिव एक्नी होती है, मैंने स्क्रब यूज़ करने का तरीका बता दूँ, वो लोग स्क्रब के अंदर मसाज क्रीम मिला लिया करें। वो कैसे मिला लिया करें, ये देखिए ऐसे स्क्रब लगा लिया खुश्क फेस पे, हमेशा खुश्क फेस पे पहले चीज़ लगाते हैं फिर पानी लगाते हैं। इस तरह से आप लोगों ने मसाज कर लिया, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा मसाज नहीं कर रही ताकि मैं आप लोगों को वीडियो बना दूँ, ठीक है। 2 से 3 मिनट जिनकी स्किन पे कोई एक्नी नहीं है, निशान है सिर्फ, कुछ भी नहीं होता, जिन लोग की जिनकी स्किन पे रहती है रैशेस या सेंसिटिव,
या उनकी एक्नी एक्टिव होती है, वो लोग क्या करेंगे वो ज़रा सुन लें। और जिन लोग की स्किन पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक ड्राई रहती है पर एक्नी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्टली स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की स्किन पर रैशेज होते हैं, एक्टिव एक्नी होती है, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, वो एप्रिकॉट का स्क्रब लगा के उस पूरे फेस पे, और साथ ये मसाज ग्लो, ये 4 स्टेप है, वो साथ क्या करेंगे, सिंपली इसका ये मसाजर ऐड कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं है वो सिंपल ही यूज़ करेंगे। मैं इस तरह मसाजर बीच में ऐड कर लेती हूँ, उससे क्या होता है वो ज़्यादा चुभन नहीं होती है फेस के ऊपर। एक्टिव एक्नी वालों को वो ज़्यादा मसाज लेंगे, थोड़ा स्क्रब लेंगे, एक्टिव एक्नी वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा रैशेज वाली रहती है, ठीक है, वो ज़्यादा स्क्रब यूज़ नहीं करेंगे। बाकी स्किन वाले पहले स्क्रब यूज़ करेंगे 3rd स्टेप में, और 4th स्टेप में अलग से मसाजर पानी लगा के करेंगे। उनके ये 4 स्टेप्स मैंने आप लोगों को जल्दी जल्दी से बता दिए, ठीक है। देख सकते हैं कितना अच्छा सा थिक लेदर बनता है, थोड़ा सा लेने पर, थोड़ी सी अमाउंट में लेने पर। मैं कहती हूँ ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, और मैं बता चुकी हूँ बड़े नामी ग्रामी पार्लर हैं जो इसके 4,500 रुपये सिर्फ एक मतलब एक दफ़ा फेशियल करवाने के ले रहे हैं, और लोग जा के करवा रहे हैं। आए मैं उन पार्लर का नाम भी बताऊंगी, और ये उतने पैसों का ये पूरी किट भी नहीं है, ठीक है। ये आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, समझे 4 स्टेप हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को जो दिखाने लगी हूँ इसका स्टेप नंबर 5th, वो है क्ले, मतलब प्योरीफाइंग क्ले जो होता है ना, क्ले मास्क, वो है। अब देखिए हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग एप्रीकोट स्क्रब के बाद हमेशा मसाज यूज़ किया करें। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव या जैसे बोला वो लोग क्या करते हैं जी, एप्रीकोट स्क्रब के बाद मसाज नहीं करते, सीधा स्किन पॉलिश पे मसाज पाए थे, नहीं, हमेशा पहले इसका मसाज किया करें, सिंपल मसाजर क्रीम का और एक्नी वाले भी दोनों मिक्स करके किया करें, उसके फौरन बाद आप लोग क्ले लगा लिया करें। हम लोग क्या करते हैं सबसे एंड में क्ले लगाते हैं और उसके बाद स्किन ड्राई हो जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं करते। नो, हमेशा क्ले पाउडर लगा लिया, जैसे क्ले मास्क सॉरी लगा लिया, उसके बाद आप स्किन पॉलिश का मसाज कर ले, वो स्किन को सॉफ्ट भी कर देगा और स्किन को साथ आपकी वो खुश्क नहीं करेगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, सिंपल से इसका क्ले है, ये देखिए इस तरह से बना बनाया, इसका ये काफ़ी यूज़ हुआ हुआ है इस तरह से। जिन जिन को मैंने ट्राई करवाया उन्होंने तो फ़ौरन मंगवा लिया था, फिर उन्होंने अपने अपने यूज़ किए, मैंने एक दफ़ा सबको ट्राई करवाया इस तरह का। इसका देखिए बड़ा माइल्ड सा ये क्ले है, ये आ जाता है इनका 5वां स्टेप, ठीक है, ये इनका 5वां स्टेप हो गया। जैसे ही क्ले ड्राई हो जाएगा 15 से 20 मिनट के बाद, उसके बाद आप लोगों ने इसको भी साफ़ कर लेना है। मैं ज़रा इसको पानी से साफ़ कर रही हूँ, आप लोगों ने वैसे ही साफ़ करना है, ड्राई फेस पे ही इसको साफ़ कर लेना है। अब आती हैं मेन बातें थोड़ी सी और। अब जो है इसका 6th स्टेप में मैं मसाज करूँगी स्किन पॉलिश का। स्किन पॉलिश में बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि वो स्किन पॉलिश लगा के 20-25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये मसाजर होता है, ये स्किन पॉलिश वो नहीं होती है जो आप लोग बनाते हैं, और इनकी स्किन पॉलिश में भी स्ट्रॉबेरी ऐड है, मुझे अच्छी बात ही लगती है उनकी। उसमें देखें इसमें उन्होंने प्योरीफाई पूरा, ये देखें इसमें ऑटमिल डाला है पूरा, ये फ्रूटी फेशियल भी हो गया, एक्नी फेशियल भी हो गया, और साथ साथ वाइटनिंग फेशियल भी हो गया। मुझे तो इसका फेशियल बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी बता दूँ थोड़ी सी साथ साथ। ये है इसका 6th नंबर का मसाज। ये फेशियल अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, ये जस्ट उन लोगों ने, ये इसमें थोड़े से स्क्रब पार्टिकल भी हैं और बहुत अच्छा सा इसका जो है ना, जैसे ये दोनों मिक्स करके नहीं बनाया था, ये 3-4 चीज़ों का मिक्सचर है, स्क्रबिंग का भी, स्किन पॉलिश का भी, मसाजर का भी, वाइटनिंग चीज़ों का भी। इसका ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अब ज़रा ज़रूरी बात है, स्कूल ने स्किप नहीं करना, इस वीडियो को शेयर करना है पार्लर वालों से भी। पार्लर वालों से मेरी रिक्वेस्ट है इसको लाजमी ट्राई करें, ये रिटर्न रिपीटिंग कस्टमर आएगा आपके पास, ये मेरी गारंटी है। अच्छा जी, इसको पानी लगा के मसाज करना, ज़रूरी बात सुन लें, ये जितना भी फैशन अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। मुझे अच्छी बात क्या लगी, उन्होंने पहले जितने भी बड़े पार्लर वाले हैं उन्होंने जब यूज़ किया तो वो कॉन्टिन्यूसली इसको यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं। दूसरी बात ये थी, उन्होंने कहा था मार्केट में आते जैसे डर्माशाइन तक की छोटी छोटी फेक कॉपियां बना ली है, छोटी बोतल में डर्माशाइन नहीं आता, वो उसकी कॉपी है, मुझे फेक ओरिजिनल की बहुत पहचान है, मैं वेरीफाइड लोगों से बात करती हूँ, तो ये मार्केट में नहीं है, आप कहीं भी ढूंढ लें ये फेक मिल रहा होगा या मार्केट में तो है ही नहीं, वो इसलिए मार्केट में लाया ही नहीं है कि फेक मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने मुझे चैलेंजिंग कहा था, जिन लोगों का ये है कि ये डर्माशाइन से अच्छा आपको रिजल्ट देगा, मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ी दबंग सी यूट्यूबरों को नहीं अच्छा देगा तो मैं नहीं रिव्यू दूंगी, बट यस मैंने डर्माशाइन का पूरा फेशियल यूज़ किया हुआ है। मैं कहती हूँ कि इसने मुझे शॉक्ड कर दिया, मैंने लोगों का आपने सच में सही कहा था कि ये डर्माशाइन से अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया है। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता करेंगे। उन्होंने कहा हमने मार्केट में नहीं बेचना अभी, क्योंकि मार्केट में आती है, देखें ज़रा इसकी अभी हाथों पे उतारा, ये आप लोगों को गंद नज़र नहीं आ रहा अभी सिर्फ हाथों से। मुझे अच्छी बात क्या लगी, ऐसी आपने स्किन पॉलिश का सॉरी मसाज करना है 3 से 4 मिनट, ठीक है, सेंसिटिव स्किन वाले ज़रा 3 से 4 मिनट मसाज कर सकते हैं, बाकी स्किन वाले जो एक्टिव एक्ने वाले हैं वो भी 3 से 4 मिनट, बाकी सब स्किन वाले 5 से 6 मिनट मसाज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये अच्छी बात क्या लगी, उन्होंने कहा हमने मार्केट में अभी नहीं लॉन्च करना, मार्केट में आती चीज़ अभी फेमस होती नहीं है, उसकी नकली का भी बनना शुरू जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इन्हें बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ऑनेस्ट यूट्यूबर्स और जितने बड़े बड़े, मैं सच बता रही हूँ पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने उनसे लिया था ये, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि डर्माशाइन से अच्छा रिजल्ट देगा, यस इसने अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे डर्माशाइन से। जिसको ये चाहिए, बहुत अफोर्डेबल है, इतना महंगा नहीं है, इसके 4,500 रुपये का
4500 रुपीज़ का, सॉरी, इसका एक मसाज पार्लर वालियाँ दे रही हैं वाइटनिंग फेशियल के नाम से, जो उससे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ईद आने वाली है, मैं कहती हूँ जिसने ये ना लिया उसने कुछ ना लिया, एक दफ़ा ले लें और ख़ुद किया करें। मैं हर फेशियल वीडियो में बोलती हूँ, खुद फेशियल करें। पार्लरों में क्यों 3-3, 4-4 हज़ार दे के आते हैं, और ऐसे फेशियल जो केमिकल फ्री होते हैं वो 5 हज़ार से कम नहीं होते, 4 हज़ार से कम नहीं करती पार्लर वालियाँ, जो आपको बिल्कुल रिएक्शन दे के नहीं जाते। तो ये फेशियल मुझे बहुत पसंद आया, इसका आखिरी स्टेप सुन लें। आखिरी स्टेप में मैंने खुद ऐड की है इसमें डर्मा शाइन की, ये फेस ब्लीच है, ये मैं बिल्कुल आखिर में यूज़ करवाती हूँ, और ये जितने भी लोगों ने मंगवाई है उसके साथ मैंने ये लाजमी भेजी है, क्योंकि ये इसमें लाजमी मैंने ऐड करवाई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं मसाजर। अब हम लोगों को इसमें 20 मिनट के लिए डर्मा शाइन की, मुझे बहुत पसंद है डर्मा शाइन की, जो दो प्रोडक्ट्स फेबुलस है वो उनकी हैंड एंड फूड ब्लीच है, जिसका रिव्यू मैंने दिया, और एक ये बहुत ज़्यादा फेबुलस है। ये क्या है, ये देखें, ये इसका 7वां स्टेप है, ये डर्मा शाइन की सिर्फ इसमें ये ऐड है, बाकी ये अलग है, लेकिन मैं जो भी मंगवाता है मैं उसे पूरी 7 का सेट देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसको लगाना है, और आप लोगों ने 20 मिनट के लिए फाइनल स्टेप है छोड़ देना। अब ये मैंने आखिर में क्यों रखा है, जितनी भी इस, ये मुझे फ्रूटी फेशियल है, ये ड्राई नहीं करता फेस को, लेकिन ये आपकी फेस को मॉइस्चराइजिंग भी देगा, ब्लीच भी कर देगा एंड में। और आप लोग मुझे खुद एक दफ़ा फेशियल में ही मैसेज करेंगे, मैम ये क्या फेशियल भेजा है। मेरे फॉलोअर्स को आज हैरानगी हो रही होगी कि मैम इतनी तारीफ कैसे कर रही हैं, और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बोल दिया बावजूद बैठी हूँ रमज़ान है, 1 रुपये की ही पेड प्रमोशन है, मैंने ये खरीदा है फेशियल, खरीद के उन्होंने, हाँ मुझे चैलेंज उन्होंने किया तो मैंने लिया, कि डर्मा शाइन से अच्छा रिजल्ट ना दे तो हम आपको पैसे वापस देंगे, पर वाकई में इसने दिया रिजल्ट। और दूसरी बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा मार्केट में पहले नहीं लॉन्च कर रहे, काफ़ी टाइम से इसे लॉन्च नहीं कर रहे, क्योंकि फेक कॉप बहुत बन जाती हैं, पहले ये लोगों में अच्छा तो लग जाए लोगों को, तब हम मार्केट में लाएंगे। तो जिस जिसको चाहिए डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझ पर तो आप लोग को ट्रस्ट है, मुझे कोई लालच नहीं है पैसे की, वो मुझसे आकर रब्ता कर सकता है कहाँ से लेना है कैसे लेना है। और इस तरह से ये आखिरी स्टेप है, इसको लगा के 20 मिनट के लिए आप लोगों ने छोड़ देना, ये डर्मा शाइन का इंक्लूडेड होगा इस किट के अंदर, ये मेरा काम है आपको ऐड करके देना, ये डर्मा शाइन का इंक्लूडेड होगा, 7 पीस का ये सेट होगा। आप लोग मुझे खुद कहेंगे मैम शायद हमें पार्लर में भी इतना अच्छा रिजल्ट ना आया, इतना अच्छा ये फेशियल है, मुझे इसके बाद कोई फेशियल अच्छा नहीं लग रहा। मस्ट बे दिस फेशियल, शेयर दिस वीडियो, ये पॉलर वालियों को मैं रिकमेंड करूंगी कि मेरे कहने पे एक दफ़ा लेके देखें, डर्मा शाइन से बहुत ज़्यादा अच्छा फेशियल है, वाकई में उन्होंने सही कहा है। तो ऐसे ही डिटेल इसको साफ कर लीजिएगा 15 से 20 मिनट के बाद, आप लोग को स्पंज में पहले स्टेप के बाद ही गंद नज़र आएगा पोर से निकलते हुए, और इसको 15 से 20 दिन बाद आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग स्किन पॉलिश तेज़ वाली बना के यूज़ करते हैं तो 25 दिन बाद किया करें, लेकिन इसका मसाज आप हर 20 दिन बाद ले सकते हैं। ये वीकली केयर है, डेली मंथली केयर में नेक्स्ट वीडियो में एक्नी वालों की, दूसरी स्किन वालों की बताने लगी हूँ, वो लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों की डेली केयर भी हो, वीकली मंथली केयर भी हो, और वीकली केयर भी हो। तो मैं ऐसी डिटेल वीडियो बनाती हूँ, तो ऐसी डिटेल ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे बात कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी, स्किन से रिलेटेड भी, आप लोग मेरी स्किन टाइप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।